और मैं आप जीडीए वालों को यकीन दिला रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं। जब तक आप लोग चाहोगे ये जीडीए चलेगी, जिस दिन आप चाहोगे जीडीए खत्म करनी है, हम अपनी फंक्शनली को फिर से मैदान में ले आएंगे। इसलिए मुझे तो न कोई नफा न फायदा, हम तो एक दोस्तों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम दोस्तों को लेके नहीं चलेंगे, हम एक साथ नहीं चलेंगे, तो मार्केट में ये जो गीदड़ और लोमड़ी और ये वो हमें कच्चा खा जाएंगे। हम एक साथ हैं तो कुछ बचे भी हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला हर महीने का चांद ईद का चांद नहीं होता। ये कहना कि जी व्याप्ति हो रही है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, तवज्जो से हम उनको नोट भी करवाएंगे कि जनाब आपसे ज्यादा हुई, हम आपके साथ हैं, जिधर तक हमारा असर और तुक है हम आपको मदद करेंगे। आप यकीन करें, मेरा ईमान है, ईसा बैठे न पीर साहब ने आज तक डिमांड की है पीटीआई से, न मैंने डिमांड की है, क्योंकि हमें पता है कि उनकी उम्मीद ये है कि ये हमारे साथ ज्वाइन होए। ऐसी चीज नहीं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके, मुर्गी जैसे चील देखती है तो अपने बच्चों को छुपाती है, पीसा पगारों का काम है बच्चों को छुपाना, इस जीडीए के तकलीफ ना आए, वो छुपा के चल तो रहे, आके चल तो रहे, मगर कोई बच्चा शैतान अगर खुद निकल जाए तो चील उस बेचारे को जरूर भी आ गई, चील के पंजे घुस गए, तो अब ऐसा कोई ना करेगा इधर से निकले और चील उठा के ले जाए। फिलहाल पीर साहब की छाव में छतरी में हम सबको एक होना पड़ेगा, मजबूत एक जीडीए का हमें शो करना पड़ेगा इस आज की जो मीटिंग है, इससे प्लेटफॉर्म से कि हम